अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम विज़िट करेंगे ये दो कनाल का घर। ये मेरी बैग पे आप व्यू कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्पेनिश एलिवेशन में और लाइट ब्राउन थीम में इस घर को डिज़ाइन किया गया। और इस घर की जो अकोमोडेशन है, जो इसकी डायमेंशन है 75 बाई 120, 75 इसकी विड्थ है और 120 फिर जो है इसकी लेंथ है। ये इस दो कनाल के प्लॉट का साइज़ है। और फ्रंट एलिवेशन में ये आप व्यू कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका रॉयल जो है लुक दी गई है इस घर को। और ये इसमें फ्रंट मेन वॉल डिज़ाइन की गई है, फ्रंट वॉल पे आप देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन कलर में फुली जो है रॉक वॉल किया गया है। यहाँ पर टाइल वर्क हुआ है, ये निश दी गई है, लाइट्स दी गई हैं, लैंडस्केपिंग की गई है यहाँ पर आउटर लॉन में। और ये प्लांटेशन आप व्यू कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है इसका आउटर लॉन डिज़ाइन किया गया। इसके साथ ये इसका मेन डोर आप व्यू कर सकते हैं, ब्लैक और गोल्डन कलर में से पेंट किया गया है, एंड मेटल में से तैयार किया गया है। और रॉयल जो है व्यू में इसके मेन डोर को भी डिज़ाइन किया गया। इसके साथ ये इसका रैंप है, रैंप के साथ ये गैराज आप व्यू कर सकते हैं। गैराज में आपकी 4 से 5 बड़ी गाड़ियां यहाँ इजीली पार्क हो सकती हैं। और नीचे गैराज में ये 2x2 की टाइल यूज़ की गई है। और बिल्कुल सामने ये विंडो आप व्यू कर सकते हैं, ये विंडो ड्राइंग रूम की विंडो दी गई है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। इसके साथ लेफ्ट साइड पे ये 10 फीट गली दी गई है और इसी साइज़ में गली इस घर की बैक साइड पे और राइट साइड पे दी गई है। और इंट्रेंस के साथ राइट साइड पे ये आप इसमें आउटर लॉन व्यू कर सकते हैं, ये लैंडस्केपिंग की गई है यहाँ पे। और प्लांटेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ये प्लांटेशन की गई है और ये स्टोन वर्क हुआ है यहाँ। और बहुत ही खूबसूरती से इसका आउटर लॉन ये डिज़ाइन किया गया है। और ये बिल्कुल सामने आप व्यू कर सकते हैं, ये इसमें विंडो दी गई है, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इसके लिविंग एरिया की विंडो है, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है। और आप देख सकते हैं फुली जो है फ्रंट पे ये टाइल वर्क किया गया है और ये इसमें पिलर डिज़ाइन किए गए हैं। और इसके साथ ये बहुत ही खूबसूरत इसकी ये कनोपी को डिज़ाइन किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं अगेन जो है टाइल वर्क और पिलर के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। ये रॉयल लुक में, एक रॉयल व्यू में जो है इसके इंट्रेस्ट को भी डिज़ाइन किया गया। ये हम आगे हुए इसकी कनोपी में, नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग में टाइल वर्क किया गया। और ऊपर जो है खूबसूरत शेंडल आप व्यू कर सकते हैं, वुड वर्क इसकी कनोपी में आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया। और इंट्रेस्ट के साथ ये राइट साइड पे ये मोज़ेक वर्क हुआ है, यहाँ पे ये मोल्डिंग वर्क हुआ है, फुली टाइल वर्क के साथ इसको कवर्ड किया गया। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इस वॉल पे ये कैलीग्राफी की गई है। और ये इसमें मेन डोर आप व्यू कर सकते हैं, मेन डोर में ब्लैक और गोल्डन कलर में से पेंट किया गया है, मेटल में से तैयार किया गया। ये हम आगे हुए हैं इसके लॉबी में और आप देख सकते हैं एक रॉयल जो है मैसिव साइज में इसकी डबल हाइट लॉबी को डिज़ाइन किया गया। ये सीलिंग डिज़ाइन आप इसका व्यू कर सकते हैं, खूबसूरत शैंडल इंस्टॉल है और आर्टिस्टिक वर्क हुआ है, बहुत ही खूबसूरती से गोल्डन और वाइट थीम में इसको डिज़ाइन किया गया। नीचे ग्राउंड पे ये 3x3 की टाइल यूज़ की गई है वाइट और ब्राउन थीम में। और इंट्रेस्ट के साथ लेफ्ट साइड पे ये पाउडर रूम दिया गया है, ये इसका ड्राइंग रूम एरिया है, ये डाइनिंग एरिया और इसके साथ किचन स्पेस है, यानी कि फुली एक पैकेज दिया गया है, ड्राइंग रूम उसके बाद डाइनिंग एरिया और उसके आगे किचन दिया गया। और ये इंट्रेस्ट के साथ राइट साइड पे लिविंग एरिया दिया गया इस साइड पे, और इस साइड पे ये ऑफिस रूम दिया गया, आप इसे होम ऑफिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या प्रेयर रूम के लिए। और ये एक बेडरूम दिया गया और फर्स्ट बेडरूम मास्टर साइज में वो बिल्कुल सामने दिया गया। इस तरह इस घर का प्लान है। तो ये हम आएंगे वापस मेन डोर की तरफ और ये हम पहले इसका बॉर्डर रूम विजिट करेंगे। और इंट्रेस्ट के साथ लेफ्ट साइड पर आप व्यू कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत जो है वाइट थीम में इसमें टाइल वर्क हुआ है, फुली सिंक इलेक्ट्रिक मिरर या इंस्टॉल है। और ये लेज वॉल डिज़ाइन की गई है, कोरियन बॉर्डर दिया गया, यानी सीलिंग डिज़ाइन एग्जास्ट या इंस्टॉल है। ये कंसील फिटिंग में कमोड आप व्यू कर सकते हैं। ये हम वापस आ गए इसकी लॉबी में। ये मनीषा अगेन जो है इस लॉबी का एक फुल व्यू दीजिएगा और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है रॉयल लुक में मैसिव साइज में इस जो है इसकी लॉबी को डिज़ाइन किया गया। इंट्रेस्ट के साथ सबसे पहले ये हमें इसका ड्राइंग रूम एरिया मिलता है, तो ड्राइंग रूम हम विजिट करेंगे। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये मोल्डिंग वर्क हुआ है इस वॉल पे, वॉलपेपर यूज़ किया गया, ग्लोब या स्टोन है। ये फायर प्लेस आप कर सकते हैं, ये यहाँ पे इन्वर्टर के लिए यूनिट दिया गया। सीलिंग डिज़ाइन में खूबसूरत शैंडल या स्टोन है और इसके सीलिंग में आप देख सकते हैं मोल्डिंग वर्क हुआ है। ये इसमें विंडो दी गई है, ये क्रॉस व्यू आ रहा है इसके गैराज की तरफ, तो ये इसके गैराज की तरफ ओपन हो रही है। आप देख सकते हैं वाइडर जो है स्पेस में इस विंडो को डिज़ाइन किया गया। नीचे ग्राउंड पे फुली जो है वुडन फ्लोर इसका डिज़ाइन किया गया। ये इसका ड्राइंग रूम एरिया और इसके बाद ये इसमें
डाइनिंग एरिया दिया गया, इसे आप सेपरेट कर सकते हैं कर्टन यूज करके यहाँ पे। और ये इसमें विंडो दी गई है जो इसकी साइड 10 फीट गली की तरफ ओपन होगी। और ये इसमें मेन डोर दिया गया है डाइनिंग एरिया का, ये एंट्रेंस और एग्जिट दी गई है इसकी लॉबी की तरफ। ये ड्राइंग रूम का सेपरेट डोर है और ये डाइनिंग एरिया का लैदर से डोर डिजाइन किया गया। ये इसके फ्रंट वॉल पे आप देख सकते हैं मोल्डिंग वर्क हुआ है, वॉल पेपर ग्लोब या इंस्टॉल है। अगेन जो है बहुत ही खूबसूरत इसकी वॉल को डिजाइन किया गया है। और ये इसमें किचन स्पेस, ये हम किचन विजिट करेंगे और आप देख सकते हैं मास्टर साइज में, ह्यूज साइज में इसके किचन को भी डिजाइन किया गया। और ये किचन कैबिनेट में ये डोर आप देख सकते हैं सॉलिड वुड में इसको डिजाइन किया गया। काउंटर टॉप ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग है, बर्नर हुड या इंस्टॉल है। और इसमें किचन कैबिनेट स्पेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी किचन कैबिनेट स्पेस दी गई है। और बिल्कुल सामने ये सिंक एरिया आप व्यू कर सकते हैं, मास्टर साइज में इस किचन स्पेस को डिजाइन किया गया। किचन अप्लाइंसिस में आपके पास ये सिग्नेचर के माइक्रो ओवन या इंस्टॉल है। और इसके बाद ये इसमें स्मार्ट किचन आप व्यू कर सकते हैं, बर्नर हुड या इंस्टॉल है और फुली जो है वॉल के साथ टाइल वर्क आप व्यू कर सकते हैं। और ये किचन कैबिनेट में अगेन लाइट कलर में ये शेड यूज की गया हाई ग्लास और बहुत ही खूबसूरत ये हैंडल दिए गए। सिंक या इंस्टॉल है नीचे ग्राउंड पे, ये 3x6 की टाइल यूज की गई है स्मार्ट किचन में और ये मास्टर किचन में भी। तो ये इसकी एग्जिट हम लेंगे इसकी लॉबी की तरफ, ये हम वापस आ गए हैं इसकी लॉबी में। तो ये लॉबी में आप व्यू कर सकते हैं, ये ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में ये टाइल वर्क किया गया। मेरे साहब ये अगेन लुक जो है व्यू दीजिएगा इसकी डबल हाइट लॉबी का आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका जो है एक्सप्रेशन है जी। इंटरेस्ट के साथ ये लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम एरिया, डाइनिंग एरिया और लास्ट में ये किचन है, ये हम विजिट कर चुके हैं। और ये इसमें मास्टर बेडरूम दिया गया, ये हम आगे हुए इसके मास्टर बेड की तरफ। ये बिल्कुल सामने वाइडर विंडो दी गई है, ये इसकी साइड 10 फीट गली की तरफ ओपन होगी। और इसकी हर बोर्ड पे ये मोल्डिंग वर्क किया गया, बोर्ड पर यूज किया गया खूबसूरत ग्लोब या इंस्टॉल है। और ये आप व्यू कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से इस मास्टर बेडरूम को डिजाइन किया गया। सीलिंग डिजाइन बिल्कुल सिंपल और खूबसूरत इसका सीलिंग डिजाइन है। और ये इसके बेडरूम का व्यू, ये फुल व्यू आप देख सकते हैं और आप इमेजिन कर सकते हैं जो है ह्यूज साइज में इसको डिजाइन किया गया। ये हम आगे हुए इसके वॉशरूम में, ये बिल्कुल सामने ये वैनिटी दी गई है, ये लेच वॉल डिजाइन की गई है, मिरर इलेक्ट्रिक मिरर या इंस्टॉल है। और शावर स्पेस को ग्लास कैबिन से सेपरेट किया गया। और इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने निश दी गई है, ये लेच वॉल डिजाइन की गई है और बहुत ही खूबसूरत इसका डिजाइन है। सीलिंग डिजाइन बिल्कुल सिंपल है। और ये कमोड एरिया आप व्यू कर सकते हैं, कंसील फिटिंग में कमोड दिया गया, यहाँ बिल्कुल सामने विंडो दी गई जिसकी बैक 10 फीट गली की तरफ ओपन होगी, एग्जॉस्ट या इंस्टॉल है। और ये इसमें वार्डरोब डिजाइन की गई है, ये आप देख सकते हैं ग्लास पैनल यूज किया गया इसके डोर में। और ये लाइट कलर में इसमें शीट वर्क हुआ है। ये बेडरूम हम फुली विजिट कर चुके हुए हैं, ये हम वापस आ गए इस बेडरूम में और ये हम वापस आ गए हुए हैं इसकी डबल हाइट लॉबी में। तो ये इंटरेस्ट के साथ लेफ्ट साइड हम फुली विजिट कर चुके हैं, ड्राइंग रूम एरिया दिया गया लेफ्ट साइड पे, इसके साथ डाइनिंग एरिया, किचन स्पेस और लास्ट में ये बेडरूम अभी हमने विजिट किया है। अभी हम इसके राइट साइड विजिट करेंगे और राइट साइड पे ये मास्टर साइज में ये लिविंग एरिया डिजाइन किया गया। बिल्कुल सामने वाइडर विंडो आप देख सकते हैं और इस विंडो से इनर लॉन का व्यू आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसकी फील है, इसका व्यू है। ये मीडिया वॉल ग्लास पैनल इसमें यूज किया गया, पोशिश किया गया इसे और ये वॉलपेपर यूज किया गया। ये इसमें फायर प्लेस दी गई है, बहुत ही खूबसूरत ग्लोब या इंस्टॉल है, ये इन्वर्टर के लिए यूनिट दिया गया यहाँ। और ये सीलिंग डिजाइन आप व्यू कर सकते हैं, इसमें ये ग्लास पैनल यूज किया गया, शैंडल या इंस्टॉल है, मोल्डिंग वर्क हुआ है, फैन या इंस्टॉल है। और ये इसके लिविंग एरिया का फुल व्यू, ये हम वापस आ गए हैं इसकी लॉबी की तरफ। और इसके साथ ये स्टडी रूम दिया गया है, या आप इसे होम ऑफिस के तौर पे यूज कर सकते हैं या प्रेयर रूम, जो भी आप इसे डिजाइन करना चाहेंगे। इसमें विंडो दी गई है जिसके साइड 10 फीट गली की तरफ ओपन होगी और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये 3x6 की टाइल यूज की गई है। और सीलिंग डिजाइन आप व्यू कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और डिसेंट इसका सीलिंग डिजाइन है, फैन या इंस्टॉल है। और ये इसमें सेकेंड बेडरूम दिया गया और मास्टर साइज में इस रूम की भी अकोमोडेशन है। और ये हम आगे हुए हैं इसके रूम में, नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं फुली जो है वुडन फ्लोर इसका डिजाइन किया गया। और इसके राइट साइड पे, राइट वॉल पे, लेफ्ट वॉल पे आप देख सकते हैं फुली जो है मोल्डिंग वर्क के साथ से डिजाइन किया गया। ये वॉलपेपर यहाँ यूज किया गया, ग्लोब या इंस्टॉल है, सीलिंग डिजाइन आप व्यू कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल, फैन यहाँ पे इंस्टॉल है। और ये यहाँ से आप इस जो है रूम का व्यू इमेजिन कर सकते हैं कि एक अच्छे खासे बड़े साइज में जो है इस रूम की अकोमोडेशन है। और ये इसी तरह मास्टर साइज में इसमें ये वॉशरूम स्पेस दी गई है, बिल्कुल सामने
ये वैनिटी को डिजाइन किया गया और ये आप देख सकते हैं ये डबल इलेक्ट्रिक मिरर दिया गया, लैच बॉल डिजाइन किया गया, कोरियन बॉर्डर दिया गया यहाँ, ये शावर स्पेस को ग्लास कैबिन से सेपरेट किया गया और ये इसमें आप देख सकते हैं जकूजी यहाँ पे इंस्टॉल है, ये विंडो दी गई जो इसके साइड पैनल की तरफ ओपन होगी, ये निश दी गया कोरियन बॉर्डर के साथ, ग्लास पैनल इसमें यूज किया गया और ये आप व्यू कर सकते हैं एक रॉयल जो है इस वॉशरूम की फील है और ये हैंगिंग कमोड आप व्यू कर सकते हैं अगेन जो है लेज वॉल डिजाइन की गई है यहाँ और ये इसमें वार्डरोब दी गया, वार्डरोब में एक ग्लास पैनल दिया गया और बहुत ही खूबसूरत जो है टाइल वर्क और ये शीट वर्क आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती इसको ब्लेंड किया गया और ये इस वॉशरूम का मनीषा विद फुल व्यू दीजिएगा, ये आप देखिएगा कि बहुत ही खूबसूरत ये इसमें पिलर डिजाइन किए गए हैं और रॉयल लुक में रॉयल व्यू में इस जो है स्पेस को डिजाइन किया गया। ये हम आगे हुए वापस इसके बेडरूम में और ये आप देख सकते हैं अगेन जो है मास्टर साइज में ये इसका बेडरूम एरिया है, बेडरूम की अकोमोडेशन है और ये हम आगे हुए वापस इसकी लॉबी में। ये ग्राउंड फ्लोर हम पूरी विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट करेंगे और ये आप देख सकते हैं स्टेज स्टेप पे ये ग्रेनाइट यूज किया गया और लाइट्स दी गई यहाँ पे और ये वुडन बॉर्डर के साथ आयरन रेलिंग दी गई इसमें। ये अजमेर टाउन में घर लोकेटेड है और आइडियल लोकेशन पे मेन रोड पे इसकी लोकेशन है और बहुत ही खूबसूरत जो है ए प्लस प्लस क्वालिटी में इसमें तमाम जो है ग्रे में और फिनिशिंग में मटेरियल यूज किया गया। ये हम ऊपर आ गए हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पे और मनीर साहब ये इसका फुल व्यू दीजिएगा डबल हाइट लॉबी की तरफ से, ये आप देख सकते हैं यहाँ से सेंट्रल और लॉबी बहुत ही खूबसूरत यहाँ से ये इसकी फील है इंप्रेशन है इसका। ये फर्स्ट फ्लोर पे ये बैक साइड पे दो बेडरूम दिए गए हैं तो पहले हम इसका ये बेडरूम विजिट करेंगे फर्स्ट बेडरूम। ये हम इसके फर्स्ट बेडरूम में आ गए हैं, अगेन यहाँ मोल्डिंग वर्क वॉलपेपर यूज किया गया, ग्रॉक या स्टोन है इसका, सिंपल और खूबसूरत इसका सीलिंग डिजाइन है और नीचे ग्राउंड पे अगेन जो है 3x6 की टाइल यूज की गई है और हर रूम को मास्टर साइज में ह्यूज अकोमोडेशन में ही डिजाइन किया गया। ये हम इसके वॉशरूम में आ गए हैं, ये वैनिटी इलेक्ट्रिक मिरर, ये लेज वॉल दी गई है, यहाँ पे कोरियन बॉर्डर दिया गया, कंसील फिटिंग में कमोड या स्टॉल है और बहुत ही खूबसूरत जो है इसमें टाइल वर्क हुआ है और ये इसमें बैक पे आप देख सकते हैं ये शावर स्पेस दी गई है, यहाँ पे प्लांटेशन की गई है और सीलिंग डिजाइन आप व्यू कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल इसका सीलिंग डिजाइन है और ये इसमें वार्डरोब डिजाइन की गई है, ग्लास पैनल दिया गया, ये शीट हाई ग्लास शीट में इसके डोर डिजाइन किए गए। ये बेडरूम हम फुली विजिट कर चुके हैं और ये हम वापस आ गए हैं इसकी लॉबी की तरफ और ये बेडरूम के साथ ये किचन स्पेस दी गई है, पहले हम इसका ये किचन विजिट करेंगे अभी और ये आप देख सकते हैं अगेन जो है मास्टर साइज में इसके किचन स्पेस को डिजाइन किया गया, बिल्कुल सामने ये कैबिनेट एरिया दिया गया, बर्नर हुड के इंस्टॉल है, सिंक और फैन के इंस्टॉल है, खूबसूरत शैंडल के इंस्टॉल है, सीलिंग डिजाइन आप व्यू कर सकते हैं और ये इसमें सबसे जो मजेदारी की बात है वो ये है कि मीडिया वॉल दी गई है, यहाँ पे लेडीज का जो है ज्यादातर टाइम किचन में स्पेंड होता है तो उनके लिए ये एक बेहतरीन जो है एंटरटेनमेंट आप कह लें इसको। नीचे ग्राउंड पे ये 3x6 की टाइल यूज की गई है और इसमें विंडो दी गई है, ये इसके टेरेस की तरफ ओपन होगी, डबल टेरेस दिया गया घर में, एक फ्रंट एलिवेशन वाली साइड पे और एक ये टेरेस दिया गया, यहाँ पे सिटिंग के लिए बेंच दिए गए हैं, प्लांटेशन की गई, यहाँ पे ये विंडो दी गई है, बिल्कुल सामने ये वाटर यूनिट दिया गया, इसे आप बारबेक्यू के लिए किसी भी जो है इवेंट के लिए आप यहाँ पे कॉफी वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। ये हम वापस आ गए हैं लॉबी में और ये टेरेस एरिया है, ये हम विजिट कर चुके हैं किचन के साथ, ये टेरेस एरिया दिया गया और ये फ्रंट साइड पे एक बेडरूम दिया गया फ्रंट एलिवेशन वाली साइड पे और ये आप देख सकते हैं अगेन जो है अगेन मास्टर साइज में इस रूम को भी डिजाइन किया गया है, मोल्डिंग वर्क वॉलपेपर के साथ इसकी हर वॉल को डेकोर किया गया, डिजाइन किया गया, बिल्कुल सामने खूबसूरत ग्लोब के इंस्टॉल है, सीलिंग डिजाइन आप व्यू कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल और खूबसूरत। नीचे ग्राउंड पे अगेन 3x6 की टाइल यूज की गई है और ये इसमें बालकोनी दी गई है और ये आप देख सकते हैं यहाँ से आप ये मेन जो है रोड का मेन व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ से ये टेरेस को के लिए आप देख सकते हैं ये पैसेज दिया गया, यहाँ पे ये स्टेप दिए गए और ये आप 3 स्टेप नीचे आते हैं तो ये टेरेस एरिया आपका, तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है आइडियल लोकेशन पे घर लोकेटेड है। ये वाटर यूनिट दिया गया यहाँ पे इसके टेरेस में, ये आप देख सकते हैं पिलर डिज़ाइन किए गए, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, व्यू है, तो इस तरह इसका टेरेस को और डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट साइड पर ये टेरेस वाली साइड पर बेडरूम डिज़ाइन किया गया, तो ये टेरेस हम फुली विजिट कर चुके हैं, इसके साथ ये हम वापस आ गए बेडरूम में, ये बेडरूम हम फुली विजिट कर चुके हैं, ये वॉशरूम जो है हम इसका भी विजिट कर लेते हैं, बिल्कुल सामने ये वैनिटी है गेम और ग्रे थीम में इसको फुली जो है डिज़ाइन किया गया, ये लेज बॉल दी गई है, कोरियन बॉर्डर दिया गया, यहाँ पे शावर स्पेस आप देख सकते हैं और कंसील फिटिंग में कमोड और ये एग्जॉस्ट सीलिंग डिज़ाइन और ये इसमें वार्डरोब दी गई है
अगेन जो है ग्लास पैनल में और वुडन डिज़ाइन में इसमें ये शीट वर्क हुआ है। इस तरह इसका वॉशरूम डिज़ाइन किया गया। ये हम वापस आ गए बेडरूम में, बेडरूम हम फुल विजिट कर चुके हैं और ये हम वापस आ गए हैं इसकी लॉबी में। तो ये हम फर्स्ट फ्लोर पे राइट साइड हम फुल विजिट कर चुके हैं। अभी ये फ्रंट साइड पे बेडरूम दिया गया, ये इसमें टेरेस एरिया है और ये किचन स्पेस और लास्ट में एक बेडरूम दिया गया। इस तरह इसकी राइट साइड डिज़ाइन की गई है। ये हम आगे हैं इसके लेफ्ट साइड पे भी बैक पे ये बेडरूम दिया गया, ये बेडरूम हम विजिट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं अगेन जो है इसका हर रूम ही मास्टर रूम है, जो कॉम्पिटिशन इसको डिज़ाइन किया गया। इसे भी ये मोल्डिंग वर्क और वॉलपेपर के साथ जो है फुली वॉल को डेकोर किया गया और ये खूबसूरत जो है कैंडल ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसमें विंडो दी गई है जिसकी साइड जो है 10 फीट गली की तरफ ओपन होगी। ये इसमें वॉशरूम एरिया, वॉशरूम में आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने बहुत ही खूबसूरत ये डबल जो है ये वैनिटी इसकी डिज़ाइन की गई है। इलेक्ट्रिक मिरर यहाँ इंस्टॉल है, ये प्लांटेशन की गई है, बहुत ही खूबसूरत इस एरिया को डिज़ाइन किया गया। शावर स्पेस और आप देख सकते हैं ये लाइट जो है ग्रे थीम में इसको डिज़ाइन किया गया और बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है एक्सप्रेशन है, इसकी फील है। कंसील फिटिंग में कमोड की इसमें विंडो दी गई जो इसकी साइड गले की तरफ ओपन होगी और ये आप देख सकते हैं कोरियन में यहाँ बॉर्डर दिया गया और ये अगेन वुडन डिज़ाइन में फुली जो है हाईग्लास शीट यूज़ की गई, ग्लास पैनल यूज़ किया गया इसके वार्डरोब में। तो ये इस किचन का फुल व्यू था। ये हम वापस आ गए इसके बेडरूम में, ये बेडरूम एरिया हम फुली विजिट कर चुके हैं और इसके साथ ये हम वापस आ गए हैं इसकी लॉबी में। तो ये आप देख सकते हैं ये डबल निश दी गई है, ये गोल्डन जो है 3D वॉलपेपर यूज़ किया गया है, लाइट्स दी गई हैं और ये मोल्डिंग वर्क हुआ है और इसके साथ ये स्टोर रूम दिया गया है। यहाँ पे स्टोरेज के लिए आप कुछ भी जो है यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और ये अगेन ये निश डिज़ाइन की गई है यहाँ पे। और ये हम आगे हुए हैं इसके फोर्थ बेडरूम में और ये भी इसके फ्रंट एलिवेशन वाली साइड पे डिज़ाइन किया गया। नीचे ग्राउंड पे बहुत ही खूबसूरत जो है वुडन फ्लोर इसका डिज़ाइन किया गया, अगेन के मोल्डिंग वर्क हुआ है यहाँ। ये इसमें विंडो दी गई है जो सामने से फ्रंट एलिवेशन में ऐड होगी और इसके साथ ये बालकनी दी गई है और अगेन जो है आप देख सकते हैं फुली जो है 3D वॉलपेपर और मोल्डिंग वर्क के साथ जो है इसमें वॉल को डेकोर किया गया है और ये कैंडल जो है ग्लोब यहाँ पे भी यूज़ किए गए हैं। सीलिंग डिज़ाइन आप व्यू कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल और ये वॉशरूम आप देख सकते हैं अगेन जो है रॉयल लुक में इसको भी डिज़ाइन किया गया है। तो इसके साथ ये वैनिटी दी गई है, राइट साइड पे इलेक्ट्रिक मिरर यहाँ स्टोर है, इसके साथ ये बाथ टब यूज़ किया गया और ये आप देख सकते हैं कलर थीम इसका टाइल का कलर कम्बिनेशन आप व्यू कर सकते हैं। बिल्कुल सामने ये निश दी गई, ये विंडो दी गई जो इसकी साइड 10 फीट गली की तरफ ओपन होगी और ये इसमें शावर स्पेस दी गई है, ग्लास कैबिन से सेपरेट किया गया, कंसील फिटिंग में कमोड, ये कुरियन में बॉर्डर दिया गया और अगेन जो है ये वुडन डिज़ाइन में शीट वर्क आप व्यू कर सकते हैं। ये ग्लास पैनल यूज़ किया गया इसके वार्डरोब में। तो ये बेडरूम हम फुली विजिट कर चुके हुए हैं, ये इस बेडरूम का फुल व्यू, ये हम वापस आ गए। बड़ी ही खूबसूरत इसके अकोमोडेशन है, हर रूम को जो है डिज़ाइन किया गया। ये हम वापस आ गए हुए हैं इसकी लॉबी में। तो ये इस घर का एक ओवरव्यू था, इंतहाई मुनासिब इस घर की डिमांड है, 18 करोड़ 50 लाख रुपए इसकी डिमांड है जो निगोशिएबल है। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।